प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के बैनर तले उचित दर विक्रेताओं ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट एवं सिविल लाइन स्थित जिला खाद्य वितरण अधिकारी के कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी व जिला खाद्य वितरण अधिकारी को संयुक्त रूप से एक ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि जनपद मुरादाबाद के उचित दर विक्रेताओं को बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उचित दर विक्रेताओं से शासन द्वारा बंधुआ मजदूरों की भांति काम कराया जा रहा है। उनकी अनेक मांगे लंबित हैं, इन लंबित मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि उचित दर विक्रेताओं से शासन द्वारा माह नवंबर 2022 के खाद्यान्न आवंटन के सापेक्ष खाद्यान्न की धनराशि जिला वितरण अधिकारी मुरादाबाद के खाते में जमा कराई गई थी, किंतु शासन द्वारा लाभार्थियों में माह नवंबर निःशुल्क वितरण करा दिया गया था तथा मई 2023 बीत जाने के बाद भी उचित दर विक्रेताओं द्वारा जमा की गई धनराशि आज तक उनके खातों में हस्तांतरित नहीं की गई। ज्ञापन में आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न गेहूं एवं चावल का वितरण भी निःशुल्क कराया जा रहा है। जनपद मुरादाबाद के उचित दर विक्रेताओं के द्वारा निरंतर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, लेकिन आज तक शासन द्वारा उचित दर विक्रेताओं को दिया जाने वाला कमीशन का भुगतान विगत 6 माह से नहीं किया गया है, जिस कारण जनपद मुरादाबाद के उचित दर विक्रेताओं की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। इसका भुगतान कराए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जनपद मुरादाबाद में परिवहन व्यवस्था से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम मुरादाबाद नगर एवं ब्लॉक स्तर के समस्त गोदामों से उठान कराया जा रहा है, जिसका वर्ष 1998 से 2023 तक का MDM का किराया 12 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से शेष है। इसके अलावा ICDS आंगनबाड़ी में खाद्यान्न की उचित दर विक्रेता पिछले 2 वर्षों से अपने किराए संस्थानों द्वारा क्रियान्वित कराते चले आ रहे हैं, किंतु आज तक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम मुरादाबाद द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। MDM मिड डे मील एवं आंगनबाड़ी आदि का भाड़ा अति शीघ्र दिलवाए जाने की मांग भी उठाई गई है। ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण माथुर एवं उपाध्यक्ष सीताराम ने संयुक्त रूप से बताया कि इस मौके पर संजीव कुमार, अरुण कुमार, कमल सिंह, गुड्डू, बबीता एवं अशोक कुमार सहित अनेक उचित दर विक्रेता शामिल रहे। जो है और मिलाकर के सारे उत्तर प्रदेश के 80,000 डीलरों को 7 माह से कमीशन नहीं दिया गया है। माह नवंबर 2022 में हमारा पैसा जमा करा लिया था ई चालान से, उसका भी आज तक दिया नहीं है। हमारी मांग है कि हमारा पैसा मई ब्याज के हमें शीघ्र दिलाया जाए, पूरे नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष अशोक मेहरोत्रा जी ने आह्वान किया है पूरे उत्तर प्रदेश में माह जून का राशन वितरण नहीं किया जाएगा यदि कमीशन हमें वितरण से पूर्व नहीं दिलाया गया। कितने माह का पैसा रुका हुआ है? 7 माह का पैसा रुका हुआ और 1 माह की जमा धनराशि है। तो आपने मांग करी इसकी पहले भी? हाँ, पहले निरंतर मांग जारी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर होकर हम आप जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और ये भी कहने आए हैं कि अगर जून से पहले हमारा वो नहीं दिया गया कमीशन और जमा धनराशि, तो हम जून का वितरण नहीं करेंगे। क्या मुख्य मांग है आपकी उसमें? मुख्य मांग यही है कि हमारी जमा धनराशि वापस की जाए, ठीक, और जो 7 माह का बकाया कमीशन है हम लोगों का वो दिलाया जाए, जिसमें आंगनवाड़ी, मिड डे मील, MDM उसका भाड़ा आज तक नहीं दिलाया गया। जब तक ये वितरण से पूर्व अगर नहीं दिलाया जाएगा तो हम लोग माह जून का वितरण नहीं करेंगे।